कि बताए प्रेमी श्रोताओं, इस धरती जहान पे इंसानों पे कितनी मुसीबत आती है। कभी खुशी का समय होता है तो कभी दुख का समय होता है, लेकिन कवि ने ये बताया कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए इंसान पे, लेकिन अपना कदम अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। आइए इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। हे रसत की बांदी बंधे लक्ष्मी, क्योंकि इंसाना पे करा दिए जनू के काम बखते ने। होती है प्रेमी श्रोताओं, पहली लाइनों में राजा नल और दमयंती के बारे में लिखा कि एक समय वो था कि राजपाट महल हवेली सब कुछ था, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि राजा नल और दमयंती के पास कुछ नहीं बचा। के बताया भला मेरे एक बखत में मेरे एक बखत में राजा नल की एक बखत में राजा नल की खिल रही थी फुलवाड़ी, एक बखत में पासे बन के नल की हवा बिगाड़ी, एक बखत में दमयंती के चले कर में अगाड़ी, बखत में इसी सुवादी बन में काटी साड़ी, एक बखत में इसी सुवादी बन में काटी साड़ी। फिर सोचे कुछ और कर दे कुछ रे ओ, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला
कि रोहतास कंवर की जब मृत्यु हुई तब कफन के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ। क्या लिखा दूसरी लाइनों में, हेरे एक बखत में राज मिलिया रे, एक बखत में राज मिलिया, सुनो हरिश्चंद्र की कहानी, एक बखत में रुका पड़ गया कन्या सत की वाणी, एक बखत में तीनों बिक गए लड़का राजा, एक बखत में भरना पड़ गया भंगी के घर पानी, एक बखत में भरना पड़ गया भंगी के घर पानी, मेरे आंसू ते पड़े तू को घुटने हो, आंसू ते पड़े तू को घुटने या इसी बड़ा दे बदले, खत्म में पाना पड़ जा, एक बखत में
वक्त में हंसना पड़े जा